अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगा कॉलर ड्रा के बारे में। कॉलर ड्रा में न्यू डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट कॉलर ड्रा ओपन, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। कॉलर ड्रा के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। जब भी आप दो या दो से ज़्यादा शेप्स को ड्रा करते हैं और उन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। फर्स्ट वेल्ड, सेकंड ट्रिम, थर्ड इंटरसेक्ट, फोर्थ सिंप्लीफाई, सिक्स फ्रंट माइनस बैक, सिक्स बैक माइनस फ्रंट और सेवन आपके पास क्रिएट बाउंड्री। सो फ्रेंड, ड्रा द शेप्स। हम कोई भी दो शेप्स ड्रा करते हैं, इसको हम फर्स्ट वेल्ड करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, वेल्ड वेल्ड, कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू ए सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विद ए सिंगल फील्ड एंड आउटलाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही आउटलाइन हो गई है और एक ही ऑब्जेक्ट में फील्ड हो रहा है। इसकी आउटलाइन इंक्रीज येलो कलर, आउटलाइन को इंक्रीज़ करते हैं 10 करते हैं। इसकी आउटलाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं, डिज़ाइन में भी आप कर सकते हैं, डॉट्स में, लाइन में, जिस तरह भी आप चाहें इसके आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड वी ड्रॉ द शेप्स, सिलेक्ट टू शेप्स, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन पे ट्रिम, कट आउट ए पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग द शेप ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट। ये हमने ट्रिम किया तो ये इसने ऑब्जेक्ट को कट कर दिया, जितना पोर्शन था जहाँ पे ये सर्कल आ रहा था वहाँ से ये कट हो गया है। सो फ्रेंड्स, इसके मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ड्रा द स्क्वायर, ड्रा द सर्कल, इसके चारों साइडों पर आप सर्कल एक ड्रा करें। ये मैं रफ सा सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। सेलेक्ट दी ऑल ऑब्जेक्ट्स दैन ट्रिम। तो ये देखिए फ्रेंड, ये वही शेप बन गया जो हमने सर्कल के अंदर उनको ड्रा किया था। नेक्स्ट फ्रेंड, ड्रा दी शेप्स, ये हमने स्क्वायर ड्रा किया, अब हम सर्कल ड्रा करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्ट। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप। इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा एरिया क्रिएट हो गया। ये देखिए फ्रेंड, बाकी शेप्स हमारी वैसे ही रही हैं, इनमें नो चेंजिंग्स। देन ड्रॉ द शेप्स, यही शेप्स हमको लेंगे, इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में आ जाता है ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए फ्रेंड, ये ट्रिम हो चुके हैं, ये शेप लैदा और ये अलग हो चुकी है। ये भी जिस तरह फ्रेंड्स हमने इसमें पढ़ा था ट्रिम में, ये भी सिंप्लीफाई में भी सेम उसी तरह का इसका रोल है, मिलता जुलता है। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम शेप्स ड्रॉ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बैक माइनस फ्रंट और फ्रंट माइनस बैक के बारे में। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट माइनस बैक, इसको हम फ्रंट माइनस बैक करेंगे तो ये जो हमारा फ्रंट ऊपर वाला हिस्सा था स्क्वायर, वो हमारा रिमूव हो गया है और बैक जो हिस्सा था वो रह गया है। फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट माइनस हो गया और बैक रह गया है। इसी तरह हम शेप्स ड्रॉ करेंगे। अब हम बैक माइनस फ्रंट पढ़ेंगे, बैक माइनस फ्रंट, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैक ऑब्जेक्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास स्केयर बच गया है और बैक जो हमारा सर्कल था वो रिमूव हो गया है। देन फ्रेंड्स, अब लास्ट ऑप्शन आ गई है, ड्रॉ द शेप्स, देन क्रिएट बाउंड्री, क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट दैट सराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स।
ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसको किया है तो ये इसने एक नई बाउंड्री हमारे सामने क्रिएट कर दिया, और पहले वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे हमने वेल्ड में पढ़ा था, ये सेम वही शेप जो वेल्ड में थी वही शेप इसमें आ गई है, ये देखिए फ्रेंड। लेकिन इसमें हमारी ये ओरिजिनल शेप्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वेल्ड होके पुरानी शेप्स को ख़त्म कर देता था। इसमें देखिए हमारी ओरिजिनल शेप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें भी आप कलर करिए, ऑरेंज, ब्लू आउटलाइन, आउटलाइन का साइज इंक्रीज करते हैं। इसकी आप आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिश में कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको वेल्ड ट्रिम बाउंड सिंप्लीफाई बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक के बारे में बताया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।